इस चीज का पालन भी गांधी जी ने किया कि रात को 9 बजे आजादी के दिन भी सोने चले गए। नहीं तो लोग यही कहते, हाँ कहते तो हो जल्दी सोना चाहिए, लेकिन आप स्वयं देख रहे फोटो में देख लो, रात को 12 बजे सन 47 के दिन कोई नहीं बात मानता। अब ये सब कुछ होने के पश्चात 15 अगस्त की बात समझ में भी आ गई, 1947 का दिन क्यों चुना ये भी बात समझ में आ गई, और रात को 12 बजे आज़ादी क्यों मिली ये भी बात आपको समझ में आ गई। कांगो, बहरीन और कोरिया जैसे देश भी 15 अगस्त को आज़ाद हुए हैं ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। सिर्फ 15 अगस्त के दिन यही सब कुछ हुआ ऐसा नहीं, 15 अगस्त के दिन आपकी रंगीन टीवी का भी भारत में ईजाद हुआ था 1982 के दिन। ये 15 अगस्त बहुत अपने आप में, चूँकि अगस्त का महीना होता ही है, सबको आज़ादी मिलती है, पार्श्वनाथ को भी आज़ादी मिली थी कमठ के उपसर्ग से, तो भारत को भी आज़ादी मिली अंग्रेजों के उपसर्ग से। और आपको बता दें कि अब आपके उस अतिशय क्षेत्र को भी आज़ादी मिलने वाली है, और ये सब व्यवस्थाएं एक के बाद चल रही हैं, सब विधिवत चल रही हैं, जैसा सोचा जा रहा है वैसे वैसी सब व्यवस्थाएं बनती जा रही हैं। हम सारी चीज़ें अभी शुरुआत के पहले कहना नहीं चाहते, लेकिन आपको ये आश्वासन नहीं विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि पहले आपने साधुओं पर विश्वास किया, आपने अपने माथे पर साफा लगा करके अपने आप को गौरवान्वित किया, साधुओं का फर्ज भी बनता है आपके विश्वास की रक्षा करना, इसलिए वो भी आपको ये आगाज कराते हैं कि अगस्त में ही आज़ादी मिलेगी। अभी तक का जो कुछ भी कर्मों का उपसर्ग था अब वो शीघ्र दूर होने वाला है, और आज़ादी का महीना अगस्त ही बनने वाला है। कब होगा डेट हम नहीं बताएंगे, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन को भी डेट बदलनी पड़ी थी, लेकिन अगस्त तो पक्का है। हो सकता है तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ, रक्षा भी तुम्हारी बंधन के दिन हो जाए, और बंधन भी तुम्हारी रक्षा के लिए कारण बन जाए। संभव है, कुछ भी संभव है, कुछ नहीं कहना चाह रहे, लेकिन जब बंधन से मुक्त और उपसर्ग से दूर अकंपनाचार्य महाराज का संग भी अगस्त के महीने में ही हुआ, क्योंकि कभी आप देख लेना अधिकांश रक्षाबंधन अगस्त के महीने में ही आता है, तो उस समय भी अगस्त का ही महीना रहा होगा, इसलिए अगस्त का महीना अगस्त नक्षत्र को लेकर के बना हुआ है। और ये नक्षत्र भारतीय हैं, हालांकि अगस्त ये अंग्रेजी कैलेंडर का महीना माना जाता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ भारतीयता के पुट अवश्य हैं। तीन चीजें तो आजाद हो गई, एक तो पार्श्वनाथ भगवान को भी, अकंपनाचार्य महाराज को भी, और भारत को भी। अब हम लोग को भी अपनी धारणाओं से आजाद होने का समय आ गया है। और अभी महाराज जैसे बात कह रहे थे कि भामाशाह की पत्नी जिन्होंने अपने जेवर भी निकाल के रख दिए थे, अरे भले ही भामाशाह पहले तैयार हुआ था, उनकी श्रीमती बाद में तैयार हुई थी, लेकिन यहाँ माजरा उल्टा है, यहाँ वीरांगनाएं पहले तैयार हुए हैं, उनके भामाशाह बाद में तैयार हुए, और मंदिर के मुख्य द्वार का जिम्मा तो इन वीरांगनाओं ही अपने पुण्य के द्वार को खोलने से किया है, तब तो जाकर के आज डेली एक के बाद एक नए उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब लोग अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हुए हैं, आपने कभी जाना अपना रिकॉर्ड कैसे तोड़ा जाता है? सब संतुष्ट हो गए थे क्योंकि महाराज ने कह दिया इस बार इस मंदिर के निर्माण की दृष्टि से आपका अंतिम दान होगा, लेकिन लोग माने तब तो, लोग अंतिम दान कर चुके थे, उसके बावजूद भी अपनी नादानी पर कुछ उनको तरस आया और आकर के कहने लग गए महाराज हमने अपनी व्यवस्था बताई थी, उस समय भी कुवत से बढ़ के ही कुछ किया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कुवत हमारी अभी संकल्प लेने में और एकार पुण्याभूत पुण्यानुभूति करने में इतनी बढ़ गई है कि जो बोला था अब उससे हम 4 गुना करने के लिए तैयार हैं, बस शर्त इतनी सी है कि किसी को पता ना लगे। सोचो अपनी धारणाओं से लोग आज़ाद हो रहे हैं और गोपनीय तरीके से हो रहे हैं। भारत आज़ाद हुआ था 68 बार से शोर शराबे के साथ, लेकिन यहाँ के लोग भारतवासी होकर के भी तिरंगे को तो अपनी आंखों में रखते हैं,
लेकिन पचरंगे को अपने दिल में रख करके जीते हैं तो आजादी भी ऐसी कि गोपनीय ढंग से कर जाते हैं, वो आनंद एक की बजाय चार गुना लेकर के चले जाते हैं। ये भी अभी दो तीन लोग ऐसे आ चुके जिन्होंने संकल्प पत्र भरने के बाद अपग्रेडेशन प्रारंभ कर दिया। संकल्प पत्र तो भर ही दिया, उसके बाद अपने महाराज जी थोड़ा सा अभी कम लग रहा है और थोड़ा करना चाहते हैं, जबकि संकल्प पत्र भरने के बाद तो कोई महाराज उनसे चर्चा करेंगे नहीं क्योंकि आपका काम तो हो गया। लेकिन अब वो कहते अभी तक तो ये था कि किसी बहाने महाराज से चर्चा करने का मौका मिलता था, अब बहाने ही खत्म हो गए तो उन्होंने नया बहाना ढूंढ लिया, हम अपग्रेड करेंगे। और अपग्रेड थोड़ा मोड़ा करें तो कोई बात नहीं, तीन गुना चार गुना तक लोग अपग्रेड करने लग गए हैं, रोज आ रहे हैं। यही तो आज़ादी है और यही तो गुरुदेव के आशीर्वाद का अतिशय है। अब ऐसे अतिशय यदि होने लग गए हैं तो क्यों अपने आप में काम नहीं होंगे लोग। भारत को दिशा तो मिल गई थी 15 अगस्त को, वो तो इस जिन शासन की रक्षा करने के लिए अपने शीश को भी समर्पित करने के लिए तैयार थे। हम कम से कम शीश समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो श्रीफल तो समर्पित कर ही सकते हैं, जिन्होंने ही पुरानी घोषणाएं उस डॉम के लिए की थी। और इसके अलावा जो जो घोषणाएं और अन्य जिन्हें की हैं, वर्षों निकल गए हैं, अब उनने एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष की जिनने भी समयावधि ली होगी वो भी अपने धारणाओं से आज़ाद हो जाएं। आज आज़ादी का दिन है। एक अच्छी बात बता दें निर्माल्य के बारे में, एक सेंटेंस में कहना चाहते हैं, जिसको भी सबके लिए कह रहे हैं, चाहे दानदाता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे वो अपने आप में सब प्रकार के जो लोग हैं वो सबके लिए, जिसको भी 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनने का शौक हो वो निर्माल्य का दोष लगाए। फिर से बोलें, विष्टा का कीड़ा ही अपने आप में पर्याप्त होता है, एक आध मिनट के लिए पर्याप्त होता है, एक आध सेकंड के लिए पर्याप्त होता है, एक आध वर्ष नहीं, 60,000 वर्षों तक। सुन रहे हो पदाधिकारी भी सुन लो, 60,000 वर्षों तक जिसको विष्टा का कीड़ा बनने का शौक हो वो निर्माल्य का दोष लगाए। दानदाता भी सुन लें और पदाधिकारी भी सुन लें, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, हम सूत्रों के हवाले से बोल रहे हैं और सूत्र और कोई नहीं, आगम के सूत्र हुआ करते हैं। समझ गए ना महाराज, अभी तक तो आपने कुछ नहीं कहा, मैं तो आपने बनाया होगा कि हम इतने समय में कर लेंगे, एक साल में कर लेंगे, एक महीने में कर लेंगे, किसी की बड़ी राशि है तो दो चार साल में कर लेंगे, इतने ज़्यादा कोई सोचा नहीं होगा। और हद से हद सोचा होगा किसी ने 5 साल का, लेकिन गुरु जी को आए हुए ही 6 साल हो गए और पूज्य सुधा सागर जी महाराज को आए हुए तो 11 साल हो गए। इतनी बड़ी तो किसी ने समय सीमा नहीं ली होगी और नहीं ली है, और आपके मन में जो संकल्प आपने भावना के रूप में बनाया होगा उसका उल्लंघन तो होने लग गया है। चाहे मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया हो आपने, चाहे अन्य किसी मद में दिया हो, अथवा डॉम के निर्माण के लिए दिया हो। सुन रहे हो, इस बार के दान की हम बात नहीं कर रहे, पिछले बार के दान की हम बात कर रहे हैं। इस बार के लिए तो अभी सुरक्षित हैं आप लोग क्योंकि संकल्पित आपने अपनी व्यवस्था के हिसाब से किया है, बहुत सुरक्षा के साथ लाए हैं आपको यहाँ तक। दे दी हमें आज़ादी पर ना सड़क, हाँ बहुत सुरक्षा, आपके भावों की सुरक्षा भी हो जाए, भविष्य की सुरक्षा भी हो जाए और मंदिर के निर्माण की सुरक्षा भी हो जाए, व्यवस्थित किया है। लेकिन पिछले बार पिछले सालों में जो जो भी आपने दान बोला है, जिनने जमा कर दिया बहुत अच्छी बात है, साधुवाद के पात्र हैं, बाकी सब भी जिनने घोषणाएं की वो भी साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन हमारे साधुवाद देने से तुम निर्माल्य के दोष से तो नहीं बच पाओगे। दोष कभी ये नहीं देखता कि इसको साधु का आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला, दोष तो ये कहता है अरे तुम दोषी हो तो तुम्हारे लिए फल तो भोगना ही पड़ेगा। ये तो हमने एक सामान्य सा फल बता दिया, 60,000 वर्षों तक निर्माल्य के दोष का क्या फल मिलता है, विष्टा का कीड़ा बनना। कभी कथा आएगी तो सुनाएंगे आपके लिए, अच्छे से सुनाएंगे, अभी तो नहीं सुना रहे अभी, क्योंकि हमारे सामने तुमने दोष लगाए नहीं है, पहले जो लगे हैं उसकी हम बात करना चाह रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल कर रहे हैं डॉम की बात, डॉम बनना शुरू हो गया है, आधा बनने को है और दो चार दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और आप सबकी भावनाएं रहीं अच्छी तो रक्षाबंधन का विधान भी उसी डॉम के अंतर्गत होगा। लेकिन वह भावनाएं अच्छी तब मानी जाएंगी जिन जिन ने भी पिछले चातुर्मासों में डॉम के लिए राशि घोषित की थी, वो इन 3-4 दिनों में अपनी घोषणा दोहराएं अथवा वहां पर जो घोषणा की थी उसको लगा दें। नहीं है तो फिर हम नहीं जानते,
अकंपनाचार महाराज का तो उपसर्ग दूर हो गया रक्षाबंधन के दिन, तुम्हारे ऊपर उपसर्ग बना रहेगा निर्माल्य के दोष का। महाराज डरा रहे हो क्या? डरा नहीं रहे हैं, आपको चेता रहे हैं, अभी तक आप सो रहे थे। और दानदाता भी और पदाधिकारी भी, हालांकि पदाधिकारी हम तो कई बार बोल चुके हैं कि पिछली कमेटियों से लेकर आज तक की कमेटियों ने, किसी भी पदाधिकारी ने, मुंगावली के संस्कार ऐसे नहीं है कि कोई धांधली की हो। आपके संस्कारों में कभी भी बेईमानी करने का किसी ने कोई संस्कार दिया ना होगा, ना आपके माता पिता ने। और इतने चातुर्मास आपको मिले हैं, इस चातुर्मास में तो आपने सीख ही लिया होगा कि कभी भी हमारे लिए मंदिर का एक पैसा भी यहाँ से वहाँ नहीं करना है। सुरक्षा के लिए तो पूरा इंतजाम किए होंगे, लेकिन फिर भी किसी के मन में आ भी गया हो, क्योंकि इतनी सब संपदा है, किसी के मन में यदि आ भी गया हो तो वो भी खबरदार। सबके लिए हम खबरदार कर रहे हैं आज, क्योंकि आज आप आज़ाद हुए हैं। 78 वर्ष पूर्व तो भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन आप अपने मुगालते से आज़ाद हो पाए, इसलिए आपको हम बात बता रहे हैं कि निर्माल्य का दोष बहुत खतरनाक। सावधान हो जाना किसी भी चीज़ में, चाहे खरीदारी में हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में ज़रा सा भी पैसा बचाने की कोशिश तो करना, पैसा बर्बाद हो जाए ये मत कोशिश करना, किसी प्रकार से अपने मन में कुछ उसके प्रति अलग भाव आ जाए ऐसा कोशिश मत करना। हम विश्वास करते हैं आप लोग नहीं करोगे, लेकिन फिर भी तुम अपने मन पर विश्वास मत करना, क्योंकि मन कई बार तुम्हारे लिए छलने के लिए कारण बना है। इसलिए छल गया हो तो उसको खबरदार करना ना, अपने मन को डांट फटकार देना, अरे इतनी अच्छी सानिध्य को पा करके भी तू मेरे ऊपर उपसर्ग करता है, फिरंगी से भी ज्यादा तू अपने तरंगे बताता है, ऐसा फटकारना ताकि ठिकाने आ जाए। नहीं है तो इस मन की गुलामी यदि की, तो फिरंगी की गुलामी से तो तुम 173 वर्षों में आजाद हो गए, मन की यदि गुलामी की तो भव भवांतर तक गुलामी के बंधन क्रूरता पूर्वक आपको सहन करने पड़ेंगे। इसलिए निर्माल्य के दोष से बचना। अब दूसरी तरफ लोग ये कहते, बोले महाराज हम निर्माल्य के दोष से बचना चाहते हैं इसलिए हम संकल्पित नहीं होते, हम तो सीधा सीधा जब हमारे हाथ में होगा हम दे देंगे। ये भी उनको भी हम सावधान करना चाह रहे हैं। अभी तक आप लोग जो दान करते थे, जो आपके पास होता था उसमें से दान करते थे, तो दान तो तुम्हारा पुण्यमय था, लेकिन जो तुम्हारे पास होता था वो पापमय था। महाराज नहीं, हम तो एक नंबर से कमाते हैं। कोई से नंबर से कमाओ, चाहे 0 नंबर से, चाहे 1 नंबर से, चाहे 2 नंबर से, कमाई तो पाप ही होती है, क्योंकि परिग्रह पाप है कि नहीं बताओ। अभी तक आपने काय के लिए कमाया? अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपने व्यापार के लिए, ये सब सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, और सांसारिक व्यवस्थाओं में पाप बंद होता कि पुण्य बंद? तो तुम्हारी कमाई तो पापमय थी, उसमें से तुम दान करते थे वो पुण्यमय था, लेकिन यदि तुम संकल्प लेते हो कि हम इतने समय में हम इतना दान करेंगे। कई लोग संकल्प करते हैं कि हम अपने पूरे आजीवन का 5% कमाई का दान करेंगे, तो क्या पूरे आजीवन की कमाई पहले काउंट करें फिर 5% निकाल के अलग करें तब जाके निर्माल्य दोष से बच पाएंगे? नहीं, वो संकल्प यदि होते हैं कि हम 1 साल 2 साल में इतना हम दान करेंगे, तो उस संकल्प थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जितना सोच रहे हैं उससे थोड़ा बड़ा लेते हैं, तो अब उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो कमाएंगे तो उनकी कमाई भी पुण्यमय होगी और दान भी पुण्यमय होगा। जैसे आप रोज नहाते यदि नहा रहा इसलिए कि हमें दुकान जाना, बच्चों के स्कूल भेजना, तो वो जो सांसारिक कार्यों के लिए नहाया है वो जितना पानी बहाया वो पाप में चला गया। और नहाया यदि इसलिए कि हमें अभिषेक पूजन करने जाना, शांतिहारा करने जाना, तो वही नहाना आपका पुण्य में चला गया। उस नहाने के बाद आप अपने सांसारिक कार्य करोगे, लेकिन उद्देश्य क्या था? शांतिहारा करना, अभिषेक करना, तो आपका नहाने का पाप भी पुण्य में तब्दील हो गया। ऐसे अपने कमाने का उद्देश्य बदलो, और जब तक तुम कमाने का उद्देश्य नहीं बदलोगे तुम्हारी कमाई पापमय ही रहेगी और पापमय आगे चलती रहेगी। इसलिए यदि आपने संकल्प को पूरा करने का ला अपना लक्ष्य बना लिया है और हम उसके लिए कमाएंगे, तो तुम्हारा उद्देश्य बदलते ही कमाई भी पुण्यमय होने लग जाएगी, और दान तो पुण्यमय पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों को पुण्यमय बनाने का है वो पत्र, जिसका नाम है संकल्प पत्र।
इसलिए तुम लोग भी अपनी धारणाओं से आजाद हो जाओ। हमारे हाथ में जितना होता उतनी हम दान करते हैं। ये तो निर्माल का दोष लग जाएगा महाराज जी आपने कहा। हमने दोनों बातें कह दी, जिनने समय सीमा नहीं ली है और फिर वो नहीं दे रहे हैं उनको निर्माल का दोष है, लेकिन जो समय सीमा लेकर के यदि दान कर रहे हैं और बड़ा संकल्प लेकर दान कर रहे हैं तो उनको कोई निर्माल का दोष नहीं है। दोनों व्यक्ति अपनी अपनी धारणाओं से बाज आए, और जब बाज आएंगे तभी जा करके बाज जैसे पक्षी आप बन पाएंगे। बाज पक्षी कैसा होता है? मूसलाधार बारिश भी हो रही हो, अभी हो रही कि नहीं हो रही, मूसलाधार बारिश में होते हुए भी बाज हमेशा ऊपर की ओर उड़ान भरता, आकाश की ओर, और कौवे उसके पीठ पर बैठते कुदरते उसके लिए चोंच मारते, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। आपको भी कोई लोग चोंच मार रहे होंगे ना? आप लोग अपने दान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, मूसलाधार बारिश में भी आप ऊपर बढ़ रहे हैं, पीछे से कोई चोंच मारता होगा, लेकिन बाज तो बात होता है, वो किसी से बाज नहीं आता है। चाहे कौवा चोंच मारे, चाहे कोई आपके भावों को बिगाड़ने के लिए चोंच मारे, आप कभी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अपने अंतर यात्रा को ऊर्ध यात्रा में बदलने का तैयारी कर ली है, और ये तैयारी मात्र गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ही हुई है। इसलिए आज अपनी धारणाओं से आज़ाद हो जाओ। डॉम वाले डॉम की बात कर लें, श्रीफल वाले श्रीफल की बात कर रहे हैं, रक्षाबंधन के श्रीफल कई लोग नाम आ रहे हैं, आएंगे आएंगे, लेकिन एक श्रीफल, एक महाराज के नाम। अभी तो तीन महाराजों के लिए श्रीफल, अरे हम लोग के अभी उस तरह नहीं आए, चिंता मत करना, मत चढ़ाना पूरे चातुर्मास भर, लेकिन उन महाराज को तो याद करके चढ़ा देना जिन्होंने आपके जिन शासन की रक्षा करने के लिए अपने आप को कुर्बान तक की ठान ली थी। ये बात अलग है कि हम सबके पुण्य से विष्णु कुमार महाराज आए और उपसर्ग निरावरण कर पाए। वो तो अपने उस पद तक को त्याग करने के लिए तैयार हो गए थे, इन 700 मुनिराजों की रक्षा करने के लिए। तुम्हें तो पद भी त्याग नहीं करना, मात अपने मद को त्याग करना है, और यदि मद त्याग हो गया तो रक्षाबंधन का विधान भी हो जाएगा, डॉम का निर्माण भी हो जाएगा। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, और आपके अतिशय क्षेत्र का भी निर्माण हो जाएगा। बस धारणाओं से आज़ाद होना। आज 15 अगस्त है, आगे अपन और समझते रहेंगे। और एक बात और, आपने कभी एक चित्र देखा होगा पिछले 2 साल पुराना, पूज्य गुरुदेव शिरपुर में पचरंगा जब लहराते थे तब भी उपस्थित रहते थे, और 15 अगस्त के दिन जब तिरंगा लहराया गया उस समय भी जनगण मन के समय सावधान होकर के अपने संघ के साथ वहां उपस्थित थे। देखा है, देखा है ना? तो कुछ लोग सोच रहे होंगे, धारणा है, अरे तिरंगा महाराज के सामने, अरे तिरंगा तो मस्तिष्क और आंखों में है और पचरंगा हमारे हृदय में है, दोनों को लेकर चलते हैं। और पूज्य गुरुदेव भी जब तिरंगा लहराया गया था उस समय राष्ट्रगान के समय वहां मौजूद थे। शायद आज आपने ही व्यवस्था रखी है, हम तो गुरुदेव की आज्ञा को और गुरुदेव ने जो सिखाया है उसको मान करके वहां उपस्थित रहेंगे। अहिंसा परमो धर्म की।